जय श्री राम सभी देशवासियों। दोस्तों आज मैं एक छोटा सा वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ, बहुत छोटा सा वीडियो है। आई होप आपको अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। देखिए जैसे कि आपने टाइटल पढ़ा है, ओनली इंडियन मुस्लिम कैन डू दिस टाइप ऑफ थिंग्स। कैसे? देखिए, देश विरोधी नारे लगाए इंडियन मुस्लिम, फक हिंदुत्व के नारे लगाए इंडियन मुस्लिम, दान पुण्य नहीं करे इंडियन मुस्लिम, हिंदू जो दान करे उस पे पले इंडियन मुस्लिम, पुलिस वाले जब और डॉक्टर जब उनकी सेवा के लिए जाते हैं उनको मारने के लिए आए इंडियन मुस्लिम, जिहाद करे इंडियन मुस्लिम, फल सब्जी को जूठा करे इंडियन मुस्लिम, कोरोना को एक जिहाद के रूप में फैलाए इंडियन मुस्लिम, जब नोट आते हैं पैसे आते हैं उनको थूक और अपना नाक की वो गंदी चीज लगाए, कौन है इंडियन मुस्लिम, नर्सों के सामने नंगे घूमे इंडियन मुस्लिम, नर्सों के सामने अश्लील हरकतें करे इंडियन मुस्लिम, नर्सों के सामने अश्लील गाने और अश्लील वीडियो दिखाए इंडियन मुस्लिम, जब उनको पकड़ के उनको ठीक करने की कोशिश करे और आगे से मारने के लिए आए इंडियन मुस्लिम, जिनको कोरोना कितनी खतरनाक चीज है वो अभी तक पता नहीं चला है, बट एनआरसी अभी तक जो आया भी नहीं है उसका पता चल गया है, इतने इंटेलिजेंट है वो कौन है इंडियन मुस्लिम। ऐसी बहुत सी खूबियां हमारे इंडियन मुसलमानों में जो कि पूरी दुनिया में किसी और प्रजाति में नहीं पाई जाती है, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी सी बताई है। अगर आप इस वीडियो से रिलेट करते हैं तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि देखिए कोई सब्जी दे रहा है उसको थूक लगा रहा है, कोई किसी को हॉस्पिटल बचाने के लिए ले जा जा रहा है तो पुलिस वाले के मुंह पे थूक रहा है, कोई अपने नोटों पे थूक लगा रहा है, सब कुछ वो बोल रहा है कि हम जिहाद करेंगे इंडियन मुस्लिम, निजामुद्दीन के नाम पे वहां पे ऐसा ह्यूमन बॉम्ब तैयार कर रहे हैं इंडियन मुस्लिम। बट मैं आपको एक बात और भी बता देना चाहता हूँ दोस्तों, सारे जो इंडिया के मुसलमान हैं वो ऐसे नहीं, आई थिंक, बट रेशियो जो है वो बहुत ज्यादा है, 50-50 हो गया रेशियो कि आधे ऐसे आधे वैसे। बट दुख तब लगता है कि जब 50% जो है वो जिहाद और ऐसी गंदी मानसिकता रखते हैं, बट जो बाकी 50% है वो उसको धिकारने के बजाय, वो उसको सुनाने के उसके खिलाफ बोलने के बजाय उसका साथ दे रहे हैं और उसको डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, तब थोड़ा सा दुख लगता है। मेरे बहुत सारे भाईचारे जो खुद मुसलमान हैं बट वो इस टाइम अभी उनको डिफेंड कर रहा है, आई डोंट नो भाई। आपने देखा होगा कनी कपूर ने जो हरकत की थी, किसी भी हिंदू ने उसका साथ नहीं दिया था, उल्टा उसको बहुत सारी खरी खोटी सुनाई थी, बट आज निजामुद्दीन में कैसे हो रहा है, वहां के लोग क्या कर रहे हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट में ही बहुत सारे लोग ऐसे हैं छुप के आए हैं, आज वहां पे पुलिस गई थी, बट जो यहां के भी और पूरी इंडिया के भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनको डिफेंड कर रहे हैं कि सरकार की गलती है। तो ये सारी चीजें जो है वो सिर्फ इंडिया के मुसलमान ही कर सकते हैं, बाकी अगर आप अमेरिका में करेंगे तो मार दिया जाएगा, चीन में आप लोग देख सकते हो उइगर मुसलमानों के साथ क्या किया जाता है, बट वहां पे कोई नहीं बोलता। बहुत सारी ऐसी और कंट्री है जहां पे मुसलमानों को मैं क्या बोलूंगा, वो भाषा यूज नहीं करना चाहता क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिल पे लग सकती है, बट ये जो मैंने बात बोली अगर आप लोग को लगता है कि सच है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर और कोई मेरा मुसलमान भाई देख रहा है तो प्लीज गलत को गलत मोड़ना सीखिए, क्योंकि एक की वजह से पूरी कौम को गालियां खानी पड़ती है। बाकी मेरे को पता है मेरे बोलने से खासकर मुसलमानों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट अगर जितने भी हिंदू सिख ईसाई देख रहे हैं वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्या पता दो चार की अकल आ जाए, तो इंडियन मुस्लिम वीडियो अच्छी लगी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिए। जय श्री राम।